तो भाई अभी मैं खड़ा हूँ ट्रकों के कब्रिस्तान में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरी चारों तरफ ट्रकें हैं सिर्फ। पीछे भैया का वीडियो शूट हो रहा है और ये है पीछे ट्रकों का कब्रिस्तान। यहाँ पे नया से लेके पुराना, इस ट्रक में मैं खड़ा हूँ ना, नया शोरूम का ट्रक देखो यहाँ पे खड़ा हुआ। दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो अपन अभी बैठे हुए हैं अपनी गाड़ी में, ये जो सुपर कार देख रहे हैं ना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टाटा मोटर्स में और एक वीडियो शूट है। ये लो टाटा मोटर्स पहुंच गए, टाटा मोटर्स ट्रक, टाटा ट्रक के पास पहुंच गए और एक ट्रक का हम लोग वीडियो शूट करने वाले हैं। तो अभी हम जा रहे हैं टाटा के अंदर। डंडन जा रहा हूँ, हम पूछेंगे क्यों आए हो, नहीं पूछेंगे। गेट खुल गया और हम अभी पहुंच गए हैं टाटा मोटर्स शोरूम के अंदर। अंदर सीधा पार्किंग करेंगे एकदम अंदर अंदर, बोल रहे हैं। तो भाई अपन शोरूम पहुँच गए थे, शोरूम में बात बात हो चुकी है। ये वाली गाड़ी का वीडियो पहले आप लोग देख चुके होंगे। ये जो है डीजल वाली, इसके बगल में इलेक्ट्रिक खड़ी हुई है और ये योद्धा खड़ा है 1700। और अपनी ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, इनका शोरूम का जो यार्ड है, शोरूम के यार्ड में जाने वाले हैं, क्योंकि जो गाड़ी हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं वो हम वहाँ यार्ड में ही खड़ी है। तो भाई अपन पहुँच चुके हैं टाटा के यार्ड में, अपन गाड़ी यहाँ पर खड़ी किए हैं। और ये रहा गेट यार्ड का, मतलब जो गाड़ियाँ शोरूम में खड़ी रहती है, जो स्टॉक होता है ना, वो यहाँ पे खड़ा करते हैं। तो भाई ये है ट्रक जिसका अपन वीडियो बनाने वाले हैं और इसका जो पासिंग है 10 टन 800 ऐसा कुछ है, 10 800। और ये है गाड़ी अभी यहाँ शोरूम में खड़ी हुई है, मैं चढ़ के आपको दिखाता हूँ एक बार। ये है, ये रहा, ये है ट्रक एकदम बिल्कुल सोल्ड कंडीशन में है और AC। तो भाई यहाँ पर तो पूरा ट्रक ही ट्रक है। यहाँ कहाँ पर लगवाना है, ऐसे ऐसे पीछे जो वाइट डब्बा है बीच में ना, ताकि दोनों साइड चारों तरफ घूम के अपन वीडियो बना सके। ये कौन से भारत पेट्रोलियम में कर सड़ रही है, इतनी बड़ी ट्रक यहाँ पे सड़ रही है, पूरी पेट्रोलियम का है। और ये पुरानी सारी ट्रक है, पूरा ताबड़तोड़ चारों तरफ ट्रक ही ट्रक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जी। यार इसका सिग्ना का बहुत डिमांड है भैया, सिग्ना का डिमांड तगड़ा है क्या यहाँ पे। सिग्ना का जो ये सिग्ना है ना, क्या मॉडल है इसका, 55-30 का बहुत डिमांड है, क्योंकि ये बहुत सारी खड़ी हुई है, 48-30 C, ये हो 42-25 C, तो महंगी महंगे 50 लाख के ऊपर की गाड़ियाँ हैं, पूरा इतना बड़ा सा ये जो है। अंदर भी बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, दिखाता हूँ मैं आपको भाई। ट्रक ही ट्रक है, कितनी ट्रक लेना है आपको, ये देखो ताबड़ तोड़ यार पूरा। कौन सी गाड़ी चाहिए भाई, ये वाली चाहिए, ये वाली चाहिए, ये वाली चाहिए, सारी गाड़ियाँ जो जाओगे वही उठा लेंगे अपन, देख रहे हो। ट्रक ही ट्रक है चारों तरफ, जिधर आप नज़र डालोगे उधर ही ट्रक ही ट्रक, ऐसे ऐसे लगाना है। चलो ये रही अपनी, ये रही गाड़ी जिसका अपन वीडियो शूट करने आए हुए हैं, अट्टावर जो पावर स्टेरिंग गाड़ी है ये। अगर आवाज़ देख रहे हो, आवाज़ भी नहीं है, वाइब्रेशन भी नहीं है, सॉलिड है। यहाँ पे ऐसे ऐसे यहीं पे ना, सीधा सीधा ऐसे कहाँ पे, कहाँ पे, तो उस साइड जगह नहीं मिल पाएगा ना, मिल जाएगा यहाँ पे लगा। हाँ हाँ अरे यार वहाँ पर हम लगवा दिए, अब यहाँ पर लगा रहे हैं, बेचारे परेशान हो रहे हैं मेरे चक्कर में। पूरा पावर स्टीयरिंग गाड़ी है भाई, ये लगा रहे हैं भाई साहब गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी है, पूरा धूल लक्कड़ उड़ जाता है भाई इसके चक्कर में। तो ये पुरानी वाली गाड़ी खड़ी, लगता है टोटल लॉस एक्सचेंज में आई रही होगी, तब से यहीं पर खड़ी ही खड़ी है, कोई गए नहीं लेके। इनका वीडियो गाड़ियों का शूट हो रहा है काफ़ी देर से, और जब हम लोग आए थे ना बहुत सारी गाड़ियाँ, मतलब बहुत सारा धूप था, आप देखें ना धूप लगे, अभी जो है धूप गायब हो चुका है। और वहाँ पे उनका वीडियो शूट हो रहा है, मैं यहाँ पे निकल गया हूँ, चलो देखते हैं गाड़ी। यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी ट्रक यहाँ पे ऐसी खड़ी हुई है भाई। एक बात बताऊँ आपको मैं, ये देखो इतनी सारी गाड़ियाँ, टाटा की, टाटा की कारें, टाटा की ट्रकें, टाटा की ये विंगर, टाटा का ये, टाटा टाटा की एक से एक गाड़ियाँ हमें सड़ रही हैं भाई। ये गाड़ी देखो कैरावैन, टाटा की एम्बुलेंस टाइप की कैरावैन है ये, यहाँ पर सड़ रही है भाई ये गाड़ियाँ। इसके बगल में गाड़ियाँ दिखा रहा हूँ मैं आपको, कि गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं चारों तरफ। ये ट्रक यहाँ पे खड़ी हुई है ना, ये देखो यहाँ पे गाड़ियाँ, जंगलों में गाड़ियाँ, टाटा की गाड़ियाँ जंगलों में पड़ी हुई हैं भाई, सड़ रही हैं। वहाँ पे एक गाड़ी पड़ी, ये गाड़ी पड़ी है भाई, कहाँ कहाँ पे गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं मैं आपको दिखाऊँ, वो देखो वहाँ पर गाड़ियाँ, वहाँ पर जंगलों में सड़ रही है। इसका कोई मालिक नहीं भाई, इन गाड़ियों का कोई मालिक नहीं, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई भाई, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, वो देखो टाटा गाड़ियाँ यहाँ पर, यहाँ पर टाटा गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं भाई, चारों तरफ सड़ रही हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो यार जंगलों में जा कर के, ये देखो गाड़ियों से कोई मालिक है ही नहीं इसका, इन गाड़ियों का देख रहे हैं, सब गाड़ियाँ यहाँ पड़ी हुई हैं यार, इसका कोई मालिक नहीं। यहाँ पर मैं निकलता हूँ कि जंगली जानवर भी हो सकते हैं भाई,
कूद के भागना पड़ेगा। हाँ यार मैंने कहा तो यहाँ पे भाई कोई मालिक नहीं, इतनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर सड़ रही हैं और कुछ नई गाड़ियाँ भी खड़ी हैं शोरूम से आकर के। तो ये सब है व्यवस्थाएँ वहाँ की गई हैं भाई, व्यवस्थाएँ कुछ नहीं यार, इनको यार बेच देना चाहिए कम से कम जो लोग की ज़रूरत है उन लोगों को मिल जाए। जैसे कैरावेन वहाँ पर सड़ रही है, एक टाटा की एम्बुलेंस है जो भी है, कम से कम उसको बेच देते यार, 2-4-10 हज़ार रुपये मिल जाता, मैं ख़रीद लेता कैरावेन, बनवा लेता भाई, बस मजाक नहीं कर रहा हूँ। और ये देखो नया गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पर पड़ी हुई भाई, एक गाड़ी और सड़ रही, एकदम नया है भाई, नंबर प्लेट भी इसमें नहीं आया है, टायर भी एकदम नया है, सब कुछ देख रहे खड़े खड़े सड़ गई है, मतलब ये गाड़ी चली ही नहीं है। अगर लॉक नहीं होगी तो खोल के दिखाएंगे आपको, हाँ हालांकि लॉक है ये इसलिए नहीं दिखाएंगे, लेकिन खड़े खड़े सड़ गई तार वार इसका सब सड़ गया, पिचक गया, और ये एकदम नई वाली यहाँ पर खड़ी हुई है। तो इस तरह से यार गाड़ियाँ यहाँ पर सड़ रही हैं टाटा की, उसमें यार्ड में देख रहे हैं। अगर इस साइड खोल देखते हैं क्या पता खुला, नहीं लॉक करके रखा गया है, इस पर खड़े होते हैं चलो अपन। नई वाली जो शोरूम वाली गाड़ी खड़ी है यहाँ पे आगे मैं खड़े हो गया हूँ भाई, और ये है टाटा की ट्रक, इतनी बड़ी न्यू शोरूम से, और ये पुरानी वाली ट्रक। तो अपन यहाँ पे चलते हुए चलते हैं ट्रक पे, और अरे यार बहुत मजबूत है टाटा की ट्रक, और ये पुरानी ट्रक है, ये देखो देख रहे हो ये नई वाली ट्रक एकदम शोरूम से खड़ी, इसको जब कोई ख़रीदने आएगा ना इसमें धो पोछ एकदम चमका के बेच दिया जाएगा। तो ये देखो वहाँ पर उनका वीडियो शूट रहा, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, देख रहे हो ट्रकों का कब्रिस्तान। ये वाली नई पुरानी वाली ट्रक दिखा दें आपको भाई अंदर कैसी है, देख रहे हो यार इंजन भी लगा हुआ है इसमें, तो इंजन भी इसका नहीं निकाले हैं। और यार अच्छा इसमें यार ये तो टोटल लॉस, आग लग गया था लग रहा है, यहीं खड़े खड़े सड़ गई है यार ये गाड़ी पूरी, देख रहे हो पूरा सब कुछ पिघल गल चुका है यार इसमें, अरे यार सब ख़त्म हो गया है इसमें, तो स्टेयरिंग देख रहे हो पूरा बंगार हो गया है। लो यार इस तरह से ये खुलेगा ही नहीं, ये गेट वेट इसका ये रहा, अच्छा खुलता तो नहीं है यार सब। तो भाई अभी मैं खड़ा हूँ ट्रकों के कब्रिस्तान में, यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरी चारों तरफ ट्रकें ही सिर्फ, पीछे भैया का वीडियो शूट हो रहा है, और ये है पीछे ट्रकों का कब्रिस्तान, यहाँ पे नया से लेके पुराना, इस ट्रक में मैं खड़ा हूँ ना, नया शोरूम का ट्रक देखो यहाँ पे खड़ा हुआ है, वहाँ पे ट्रक खड़ी है, वहाँ पे सड़ रही है ट्रक, वहाँ पे कार, यहाँ पे ये, यहाँ पे वैन, वहाँ पे एम्बुलेंस, यहाँ पे ये, वहाँ पे कारें, वहाँ से उस खंडहर में उस जंगल में देखो, देख रहे हो पूरी ट्रकें सड़ रही भाई, ट्रकों का कब्रिस्तान, इतना बड़ा कब्रिस्तान कभी नहीं देखा होगा आपने, हज़ारों ट्रकें यहाँ पे चारों तरफ फैली हुई पड़ी हुई हैं, देख रहे हैं अभी जो मैं खड़ा हूँ एकदम नया ट्रक है ये, जो धुल के बेच दिया जाएगा वहाँ भाई का वीडियो शूट हो रहा है। तो यार भाई इतने सारे ट्रकें यार, इनको तो यार चाहिए तो बेच देना चाहिए ये ट्रकें यार, क्योंकि ये ऐसे में तो यार ये सब गाड़ियाँ फिंगर और कैरावैन सब वहाँ पीछे सड़ रही, इनको चाहिए बेच देना चाहिए यार, कुछ पैसे आ जाएंगे सड़ जाती यार, अगर सस्ते मिल जाए तो अपन मैं ही खरीद लूँगा। ये देखो ये गाड़ी यहाँ पे सड़ रही है, ये गाड़ी वो गाड़ी, सब दुनिया भर की गाड़ियाँ सड़ रही हैं यहाँ पे भाई। तो दोस्तों वीडियो शूट हो चुका है और एकदम अंधेरा हो, देख रहे हैं एक जगह पे पूरा अंधेरा हो चुका है, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना, भैया का लिंक चैनल दे दूँगा, वो रिव्यू वीडियो भी जाके देख लेना। तब तक लिए वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक और वीडियो में, जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट।